हिनकोस डिक्शनरी वर्ड ऑफ द डे में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हमारा आज का वर्ड ऑफ द डे है CONFLAGRATION और इसे हम प्रोनाउंस करते हैं कॉन्फ्लिक्रेशन। इसका यूज एज अ नाउन यानी संज्ञा की तरह किया जाता है और हिंदी में इसका मीनिंग होता है संघर्ष। इसका एक और मीनिंग होता है आग, भीषण आग। पर आज हम इसका यूज संघर्ष हिंदी मीनिंग के सेंस में जानेंगे। इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन होती है अ लार्ज एंड वायलेंट इवेंट सच एज अ वॉर इन्वॉल्विंग अ लॉट ऑफ पीपल। मीनिंग जानने के बाद आइए जल्दी से जान लेते हैं इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। सिनोनिम्स हो सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट, वॉर, हॉस्टिलिटीज या कॉम्बैट। एंटोनिम्स की बात करें तो वो हो सकते हैं पीस, सीज फायर, ट्रूस या हार्मनी। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के बाद आइए जल्दी से जानते हैं कि किस तरह से सेंटेंस में आप इसका यूज कर सकते हैं। सेंटेंस एकदम करंट न्यूज से लिया गया है। जैसा कि आप सभी को पता है कि ईरान ने इसराइल पर ड्रोन्स और मिसाइल से हमला किया है, तो वहीं से आज का ये वर्ड ऑफ द डे लिया गया है। मैनी कंट्रीज हैव वॉर्न्ड ऑफ अ पोटेंशियल रीजनल कॉन्फ्लिक्रेशन आफ्टर ईरान अटैक ऑन इसराइल। इसराइल पर ईरान के हमले के बाद कई देशों ने संभावित क्षेत्रीय संघर्ष की चेतावनी दी है। पोटेंशियल संभावित एंड कन्फ्लिक्रेशन संघर्ष, तो इस तरह से आप यूज करेंगे कन्फ्लिक्रेशन का सेंटेंस में। अब आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे कन्फ्लिक्रेशन वर्ड से एक सेंटेंस बनाकर जरूर बताइए। इसका यूज आपको एज अ नाउन करना है और हिंदी में मीनिंग होता है संघर्ष। ऐसे ही नए और इंटरेस्टिंग वर्ड्स के लिए हिनकोस डिक्शनरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।